करंडा थाना पुलिस ने सोमवार की रात क्षेत्र के धर्मा में स्थित बंद पड़े सरकारी अस्पताल में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब बरामद की गई। मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे के निर्देशन में जिला पुलिस अपराधियों सहित मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत करंडा थाना प्रभारी निरीक्षक संपूर्णानंद राय सोमवार की रात हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान करीब 8:30 बजे क्षेत्र के धर्मा गांव में स्थित बंद पड़े सरकारी अस्पताल में छापेमारी की गई। पुलिस के पहुंचते ही वहां नकली शराब बनाने में लिप्त 3 लोग भागना चाहे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मौके से 180 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 589 शीशी भरी हुई लाल द्रव्य, 378 खाली शीशी और 1 डिब्बा लाल कलर तथा अन्य उपकरण बरामद किए गए। बताया कि गिरफ्तार तस्करों में स्थानीय थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी मुलायम सिंह, मांझा निवासी राम नारायण मिश्रा और नंदगंज थाना क्षेत्र के करमजीतपुर निवासी रोशन कुमार यादव शामिल हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार में लंबे समय से लिप्त हैं। अभियुक्तों का आबकारी अधिनियम के तहत चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ के साथ उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार उपाध्याय, उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल प्रेम शंकर, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव, कांस्टेबल राकेश सोनकर, अश्रित कुमार, रमाकांत सरोज और अभिषेक कुमार शामिल थे।